हेलो, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे हम बिना फंक्शन किए दबाए अपने एक्शन बटन को यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सिस्टम के ऊपर पहले कीबोर्ड यूज़ कर रहे थे, जिसके अंदर सिंपली आप एक्शन बटन को बिना फंक्शन किए दबाए यूज़ कर सकते हैं। तो लैपटॉप के अंदर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि अगर आपको एक्शन की का यूज़ करना है तो फंक्शन की प्रेस करनी ही होगी। तो फंक्शन की यूज़ ना करनी पड़े, सिंपली एक्शन की दबा के ही आपका काम हो जाए। उसके लिए आपको करना होगा कि अगर आपके सिस्टम के अंदर एस्केप बटन के ऊपर फंक्शन की, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शन की बनी हुई है, उसके ऊपर लॉक है, तो यहाँ पर आप फंक्शन की दबाएंगे प्लस एस्केप बटन दबाएंगे। जब आप इसको एक बार दबा देंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। अब आप सिंपली इन की को दबा के इनका यूज़ कर सकते हैं, आपको फंक्शन की दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये ऑप्शन अगर आपके सिस्टम के अंदर नहीं है तो आप इस सेटिंग को इसके बायोस ऑप्शन से जाके चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। तो जब सिस्टम आपका रीस्टार्ट होने लगे तो आप इसकी बायोस सेटिंग को ओपन करेंगे। बायोस सेटिंग को ओपन करने के लिए हमारे सिस्टम के अंदर की यूज़ होगी F12। आपके सिस्टम के अंदर हो सकता है F2 या F11 हो। यहाँ पे ऑप्शन है बायोस सेटअप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है पोस्ट बिहेवियर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है FN लॉक, तो अगर आपके सिस्टम के अंदर लॉक मोड सेकेंडरी ये सिलेक्ट हो रखा है तो इसको चेंज करके लॉक मोड स्टैंडर्ड पे सेट करेंगे। सेव करके एग्ज़िट करेंगे, सिस्टम अपने आप रीस्टार्ट होने लगेगा। तो यहाँ पर अब आप यूज़ कर सकते हैं एक्शन की को विदाउट प्रेसिंग फंक्शन की। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।